See positive. Follow your heart. कोरोना की मार दुनिया के लगभग सभी देशों पर पड़ी है। लॉकडाउन से सभी देशों के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी इससे बेहद प्रभावित हुआ है। हालांकि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है। इसका भारत की अर्थव्यवस्था में 16% का योगदान है। इतना ही नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान दुनिया के औसत 6.4% की तुलना में बहुत अधिक है। इसीलिए इस क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। और यही मुख्य कारण है कि लॉकडाउन के बावजूद खेती पर ज्यादा पाबंदियां नहीं लगाई गई थी। कोरोना की वजह से कृषि क्षेत्र में किस तरह से प्रभाव आया है और कैसे इससे तेजी से निपटा जाए, ये बता रहे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति श्री संजय पाटिल। एग्रीकल्चर का सेक्टर भी इससे बहुत प्रभावित हुआ है। कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं प्रॉब्लम्स के अलावा, और ये पूरा का पूरा सेक्टर एक लाइवलीहुड या जीवन से जुड़ा हुआ है और उसके कारण कई स्तरों पर इसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। जो सबसे बड़ा इशू आया है, लॉकडाउन अभी तो चल ही रहा है और कुछ दिनों में ये समाप्त भी होगा, लेकिन एक सोच में जो परिवर्तन लोगों के लग रहा है कृषि के बारे में, कि हम तो हमेशा ये बात कहते हैं कि एग्रीकल्चर फाउंडेशन है हर तरह की इकोनॉमी का, और इसको लोगों ने महसूस किया है, समाज ने महसूस किया है कि हर चीज़ खेती से जुड़ी हुई है, हर चीज़ फूड और खाने से जुड़ी हुई है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज की घोषणा करके अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का संचार किया है। इस लॉकडाउन को और इसके प्रभाव को झेलने में भी जो खेती ने बेहतर काम पिछले वर्षों में किया है कि आज हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं और खाने की कमी कम से कम किसी को नहीं हो रही है, आने वाले कई महीनों तक भी लोगों को खाना खिलाने की स्थिति देश की बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर का है और अब सभी महसूस कर रहे हैं कि इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे लेना आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण में कई अहम घोषणाएं की हैं कि आने वाले समय में किसानों को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे कोल्ड चेन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी, किसान की आय भी बढ़ेगी। इसी के साथ फूड एंटरप्राइजेस माइक्रो साइज के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। भारत कृषि प्रधान देश है। उन्नत तकनीक, आर्थिक मदद और भारतीय जज्बे से कृषि के क्षेत्र में उन्नति और अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा देने की असीम क्षमता है। Keep watching, see positive, follow your heart. चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।